दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं पेडियाट्रिशियन हूं नोएडा में, और आज हमारा टॉपिक है आरएसवी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस। बहुत ही कॉमन वायरस है, और खासकर जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं आरएसवी से होते हैं। इसमें बच्चों को स्नीजिंग, कोल्ड, सोर थ्रोट और तेज बुखार खांसी के साथ हो सकता है। ये कैसे फैलता है? पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होने पर सिक्रीशन उनके स्नीज करने से एक दूसरे को फैलते हैं, और ये काफ़ी तेजी से फैलता है। इसमें काफ़ी तेज बुखार देखने को मिलता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 2 दिनों से 7 दिनों तक होता है, यानी आप कॉन्टैक्ट में आने के 2 से 7 दिनों के भीतर में आपको लक्षण आने लगेंगे। और इसमें आपको स्टीम इनहेलेशन काफ़ी मदद करता है, गुनगुना पानी पीना, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन, पैरासीटामोल की सहायता लें, खूब सारा पानी पिए, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, और इम्यूनिटी पे वर्क करें। अगर आपका बच्चा इम्यूनिटी पे वर्क करता है, अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो इन वायरस से वो अच्छे से लड़ सकता है। कृपया अपने बच्चों पे ध्यान रखें, उनको हाइड्रेट करें, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। थैंक यू।